वेलकम टू माई चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थंबनेल से तो पता चल गया है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से थंबनेल बनाती हूँ, अगर आप न्यू क्रिएटर है तो आपको किस तरह से बनाना चाहिए। मैं वो सब चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वीडियो के थ्रू मेरे चैनल में, जिस जिस चीज से मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ किया है जब मैंने YouTube में आया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे किस तरह से थंबनेल बनाना है, किस तरह से YouTube में वीडियोस डालना है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जो जो चीज मैंने सीखा है वो सब चीज आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू मेरे चैनल में शेयर करूंगी। तो आज के जो टॉपिक है, थंबनेल कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे बनाना है और किसमें मैं बनाती हूँ वो तो आपके साथ शेयर करूंगी। पर उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। अगर आप न्यू क्रिएटर है ना, तो आपको ये चीज मैं बता देती हूँ, सिर्फ अगर थंबनेल HD में हो गया तो आप सोचेंगे कि बहुत, मतलब सब लोग क्लिक करेंगे और व्यूज आ जाएगा। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके थंबनेल HD क्वालिटी में है पर वीडियोस जो है वो रिलेट नहीं है, आपके थंबनेल के साथ रिलेट नहीं है, आप कुछ और थंबनेल आपने लगा दिया है HD क्वालिटी में पर जो वीडियो है वो रिलेट नहीं है, तब तो आपका जो व्यूज है वो डाउन हो जाएगा और आपका व्यूज आना बंद हो जाएगा। तो हमेशा थंबनेल आप वही देना जो आपकी वीडियो के साथ रिलेट है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका वीडियोस रिलेटेड ही थंबनेल होना चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से थंबनेल बनाती हूँ। आपने अगर मेरे वीडियोस को देखा है ना, मेरा कुछ थंबनेल्स जो है एकदम HD क्वालिटी में है पर उसमें व्यूज नहीं है, और कुछ जो थंबनेल्स है वो मेरा नॉर्मल है पर उसमें अच्छा खासा व्यूज है। वो क्यों पता है? क्योंकि जब मैं नया यूट्यूब में आई थी ना, तो मुझे लगा कि HD क्वालिटी में एक अच्छा सा थंबनेल लगा देती हूँ, अपना जो पिक्चर से वो दे देती हूँ और ऐसा कुछ दे देती हूँ जिससे मेरा जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो जाए। तो मैंने ऐसा सोचा था क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस देखा था, उस वीडियोस में ऐसा कहा गया था। फिर मैंने ऐसा फॉलो किया तो मेरा जो है व्यूज पूरा डाउन गया। फिर जब से मैंने, मेरा मोनेटाइज जब से ऑन हो गया है, तब से मैंने और थोड़ा रिसर्च करने लगी और मैंने थंबनेल का जो चीज़ है वो मैंने चेंज कर दिया कि मेरा वीडियो के रिलेटेड ही मैंने थंबनेल रखना शुरू किया, तो मेरा अच्छा खासा व्यूज आना शुरू हो गया। थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरत होता है वो प्लेन बैकग्राउंड। वो कैसे लेना है आपको, गूगल में जाना है, सर्च करना है प्लेन बैकग्राउंड फॉर थंबनेल और नो कॉपीराइट वाला ही लेना है। अगर कॉपीराइट वाला लोगे तो आपका जो है वीडियो में स्ट्राइक लग सकता है, चैनल में स्ट्राइक लग सकता है। तो इस तरह से मैं डाउनलोड कर लेती हूँ जो भी मुझे बैकग्राउंड चाहिए होता है। उसके बाद पिक्सल लैब में जाना है, वहाँ पर जाके क्या करना है, देखो ये जो मैंने पहले जो थंबनेल बनाया था वो था, तो इस तरह से मैं डिलीट कर ली हूँ, कर रही हूँ, और अभी जो है मैं यहाँ पर प्लेन बैकग्राउंड ही लूँगी। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगी इस तरह से और इसको एडजस्ट कर लूँगी। आप एक दो बार करोगे ना बहुत इजी हो जाएगा करने के लिए, इतना टफ नहीं है। फिर यहाँ से जो भी फ़ोटो मुझे सिलेक्ट करना है मैं यहाँ में सिलेक्ट कर लूँगी इस तरह से और एडजस्ट कर लूँगी कि कौन सा साइड में और कितना बड़ा रखना है। उसके बाद जब भी आप थंबनेल बनाओगे, ऑफकोर्स आप कुछ लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये थंबनेल किसके ऊपर में बेस है, यानी कि किस चीज़ को ये इंडिकेट करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं लिख लूँगी, जैसे कि ये थंबनेल जो है, ये वीडियो जो आप देख रहे हो, यहाँ पर थंबनेल कैसे बनाया जाए, तो इस तरह का एक जो है टेक्स्ट में लिख लूँगी यहाँ पर। उसके बाद अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लूँगी। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ऑप्शनल है, आपके ऊपर ही है। उसके बाद ये विजिबल अच्छे से करने के लिए नीचे में देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, इसको आप स्ट्रोक कर सकते हो, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। ये जो है ना थंबनेल, ये बेसिक यूट्यूबर लुक के लिए बेसिक चीज़ है जो नया क्रिएटर है, तो इस तरह से ही मैं थंबनेल बनाती हूँ, इसलिए आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ऐसा वाला जो होता है ना थंबनेल बहुत अच्छा होता है, व्यूज़ बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो सिंपलिसिटी होता है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसका जो लेटर है ना ये चेंज करूँगी फॉन्ट में जाके, और इसका कलर चेंज करूँगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर 3D ऑप्शन से बहुत कुछ है। यहाँ पर अगर आप अपना से बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हो ना वो भी मिल जाएगा यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ जैसे मैं करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कलर मैंने चॉइस कर लिया है, ये वाला कलर मुझे देना है, और उसके बाद इसमें मैंने स्ट्रोक भी डाल दिया है। तो आप यहाँ पर स्ट्रोक डालने से क्या होता है, जो ये वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में अच्छा होता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज में जाके 1280 विड्थ में और लेंथ में आना है आपका
720 तो सेव कर लेना है गैलरी में। तो ये देखो सेव हो चुका है गैलरी में, और आप इसे जब भी वीडियो अपलोड करोगे तो YT में जाके इसको सिलेक्ट करके बस आपको ये लगा देना है। तो इस तरह से है, आप थंबनेल बना सकते हो, बहुत इजी है। अगर आपके पास पिक्सेल ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो टाइप करना है आपको PIXELLAB पिक्सेल ऐप। तो यहाँ पर देखो पिक्चर एडिटर आ गया है नीचे वाला सेकंड ऑप्शन में। तो इसको क्या करना है आपको, इंस्टॉल करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ओपन ऑप्शन आया है। आज मैंने इस वीडियो में आपको वही चीज शेयर किया आप सबके साथ जो चीज मैंने फॉलो किया था। और ना वीडियो बनाने से या फिर आप जब भी क्रिएटर बनते हो ना, तो सबसे चीज जो होता है ना वो बेसिक चीज होता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। HD क्वालिटी थंबनेल ना वो हम बाद में भी ला सकते हैं, जब हमारा एकदम वीडियोस बहुत दामी होगा ना तब भी ला सकते हैं। पर अभी जो चीज हमारे साथ चल रहा है उस हिसाब से हमें थंबनेल बनाना चाहिए। और इजी तरीका मैंने आपको दिखाया जिस तरीके से मैं थंबनेल बनाती हूँ, तो आपको ये चीज बेसिक है पर ये चीज से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो अगर आप थंबनेल बनाने का सोच रहे हो ना, तो जो चीज मैंने फॉलो किया है वैसे आप फॉलो कीजिए, बहुत जल्द से जल्द आप आगे जाओगे। ये छोटा सा चीज था आपके साथ शेयर करना, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है एक्सप्लेन करने में, पता नहीं कि आपको पसंद आया है कि नहीं, तो फिर भी मैंने अपना ट्राई किया है। आशा करूंगी थोड़ा सा सही आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के वीडियो में लेके आते रहूंगी, तो एक लाइक करके जरूर बताना कि कैसा लगा, और कमेंट में बताना कि अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी बेसिक चीज आपको जानना है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगी आपको। तो आशा करूंगी ये वीडियो ठीक ठाक था। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ। Till then guys, stay healthy, God bless you, bye bye.